और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे 2020 KTM Duke 125 BS6 का, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या न्यू चेंजेस इसमें हुए हैं, और ये भी बताऊंगा कि 125 cc में ये बाइक वर्थ फॉर मनी है कि नहीं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, लुक्स एंड डिज़ाइन KTM Duke 125 का काफ़ी प्रीमियम और मस्कुलर है, और नेकेड सेगमेंट की ज़बरदस्त दिखने वाली 125 cc की अगर कोई बाइक है तो वो है KTM Duke 125। आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं से ये बाइक पसंद आ ही जाएगी। बाकी BS6 के आने से इस बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसा कि हमने सोचा था कि न्यू कलर्स के ऑप्शन आएंगे, एक्सेसरीज में चेंजेस मिलेंगे, हो सकता है डिज़ाइन चेंज हो जाए जैसे ड्यूक 200 का हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली आपको इसमें सिर्फ BS6 कंप्लायंट इंजन मिलता है। बस यही एक चेंज हुआ है, और उल्टा इस बाइक का प्राइस 4-5 हज़ार रुपये इनक्रीज हो गया है। सामने आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है जो कि एकदम ब्राइट है, आपको काफ़ी अच्छी रोड विजिबिलिटी ये दे देता है, और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है। बाकी दोस्तों, और दूसरी 125 cc की बाइक्स में आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ तक कि आपको R15 V3 में भी बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन इस बाइक में आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जिनकी विजिबिलिटी और क्वालिटी बेस्ट इन क्लास है। बाकी इंजन इसमें आपको मिलता है 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FI BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 14.5 PS एट 9250 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क है 12 Nm एट 8000 RPM, और 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिलता है। बाकी माइलेज इस बाइक से आप अराउंड 45-50 KMPL तक का गेन कर सकते हो। बाकी अगर कोई ड्यूक 125 ओनर इस वीडियो को देख रहा है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आपकी बाइक से कितना माइलेज गेन होता है। बाकी फ्रंट में आपको WP USD फोक सस्पेंशन मिलता है, और 300 mm की डिस्क प्लेट इसमें आपको मिलती है, तो ब्रेकिंग इस बाइक की काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, और 110 Section 70 का इसमें आपको टायर मिलेगा। वहीं पीछे आपको WP मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, और 150 Section 60 का इसमें आपको टायर मिलता है जो कि काफ़ी वाइड टायर है। पीछे से ये आपकी बाइक को एक स्पोर्टी लुक देगा। बाकी आपकी सेफ्टी के लिए इसमें सिंगल चैनल ABS लगाया गया है, और पीछे जो सेंसर है वो कोई ABS सेंसर नहीं है, वो RLP सेंसर है, मतलब एक तरीके से वो स्पीड को कंट्रोल करता है। दोस्तों, 125 cc के हिसाब से इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इस कंसोल में आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और शायद ही इतने सारे फीचर्स आपको किसी और कंपनी के कंसोल में देखने को मिले। दोस्तों, इसमें आपको स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है, जिसके कारण आपका जो सिटिंग पॉस्चर है वो भी अपराइट रहेगा। बाकी स्विच गियर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न, साइड इंडिकेटर सबकी क्वालिटी एकदम बेस्ट इन क्लास है, और राइट हैंडल बार में आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, व्हाइट बैकलेट इसमें आपको मिलती है, तो जब ये रात को जलती है तो बाइक को एक प्रीमियम लुक देती है। दोस्तों, राइडर और पिलियन सीट दोनों ही कंफर्टेबल है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही सीट्स की कुशनिंग हार्ड है, और जो पिलियन सीट है वो ज़्यादा स्पेसफुल नहीं है। पिलियन सीट थोड़ी लंबी होती तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है, आप आराम से 2-3 घंटे बैठकर राइड कर सकते हो बिना किसी पेनिंग के। अब काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है कि भाई कितनी हाइट होनी चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए। तो अगर आपकी हाइट 5.5 या 5.6 फीट से ऊपर है तो आप इस बाइक को कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। बाकी दोस्तों, ये बाइक उन लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगी जो लोग धीरे चलाना पसंद करते हैं, और इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और 125 cc के हिसाब से प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपको और दूसरी 125 cc की बाइक्स में इतने सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि USD फोक सस्पेंशन, इंफॉर्मेटिव कंसोल, सिंगल चैनल ABS और LED इंडिकेटर्स, मतलब आपको इस बाइक में सब कुछ मिल जाता है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बाइक काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, और उनको इस बाइक से काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आप KTM Duke 125 BS6 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसी ही वीडियोज़
लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, और आपको यहाँ मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम दिखाई दे रहा होगा तो आप जाओ वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो करो, और अगर आपको वहाँ भी कुछ डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़।